हेलो, आई एम विकट खान। मैं क्वींस हॉस्पिटल के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे एक इमरजेंसी में आई थी। आई हैव अ 7 month प्रेगनेंसी जिस वक्त मैं यहाँ आई थी, एंड अचानक बिकॉज ऑफ लेबर पेन मुझे यहाँ दिखाया गया, एंड डॉक्टर जैस्मिन सर्वे ने मेरी डिलीवरी की थी। प्रीमैच्योर बेबी था मेरा, सिर्फ 900 grams की मेरी बेबी थी, 27 weeks की। तो यहाँ पे उसे काफ़ी केयर मिला, NICU में रखा गया डॉक्टर तालिब सर्वे के अंडर। उसका सारा प्रोसीजर्स किया गया, काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, पूरे स्टाफ ने, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट ऑल ऑफ देम। सो आई जस्ट से थैंक यू टू देम। इतने भी खट्टे हैं, 6-7 फुट के नीचे रह गए। आप कोई भी आगे का चेम्बर खोल के देखिए। कुटे मित्र है, कॉन्ट्रेक्टर कुटे, देखते चेम्बर खोल। क्या मामला, क्या सुधीर भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ऐसा है कि कंक्रीट रोड पहले कर चुके हैं, और अभी ये ड्रेनेज की लाइन जो है ना, ये ड्रेनेज की लाइन बिछाने की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे बिल्डिंग का चेम्बर नहीं उतना, आप आइए इधर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, ये कॉन्क्रीट कब हुआ था? ये 3 साल पहले, मैंने ये 7 साल पहले कॉन्क्रीट हुआ था ये मेरे राज में। अरे इतना अच्छा था, टूट रहे नहीं था। इनको पूछो, टूट रहे नहीं था, बस इनकी तोड़ा। ये टूटा होता था? नहीं नहीं, वो टूटा नहीं। ये कशाला तोड़ गया था? कितनी एक पे तोड़ रहा। अभी ये क्या काम चालू हुई है? ये संडच पाइप, ये मल निसारण का जो काम है ना, जो पूरे मुमरा का जो ड्रेनेज सिस्टम है, तो ड्रेनेज सिस्टम में 6 और 7 फुट के खड्डे बनाए जाते हैं। ये 1-1.5 फुट है ये। हाँ, तो ये क्या काम हो रहा है और क्यों तोड़ा गया? और मेरी एक बात सुनिए, ये जो इलाका है वो लो लाइन एरिया है, वो ऊंचा है। आप अभी अगर देखोगे उस तरफ, देखिए आप, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये अपने घुटने से ऊपर है, ये एरिया है, अपने कमर तक आएगा। और ऐसा होने के बावजूद उसमें अगर तुम ये 1-1 फुट का डालोगे, ये पानी चढ़ेगा कैसा? कल को बारिश का पानी इसमें घुसेगा और ये लोग सब लोगों के घर में पानी जाएगा। क्यों ये सब सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये गंदा काम कर रहे हो आप लोग? हमने हमारे लोगों ने बनाया था ना। कहाँ कॉन्ट्रेक्टर कहाँ है अभी यहाँ पर? कॉन्ट्रेक्टर से बात हुई आपकी? कोई नहीं है इधर, कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं। बिना कॉन्ट्रेक्टर यहाँ पर कोई है नहीं। आप देखो, यहाँ पर सलिया डाल करके मैंने चेम्बर बनाए थे। ये चेम्बर मेरे राज के अंदर जो भी काम हुआ था ना, बाकायदा इलीगल काम हुआ था। छोटे भी गटर रहेंगे उसको चेम्बर और सलिया डाल करके हुआ था। अभी ये काम देख रही है, अभी ये काम कौन करा रहा है? क्या बोल रहे हैं? कभी भरे नहीं हो, ये कदीस भर लेना है गटर। और पानी आ रहे नहीं, पास सतत पानी नहीं आवत, घर पानी है। तो आता था हाथ चेम्बर बनवला, घर पानी है ना, नहीं पाइप तो पानी जाए घर उलट भरल। तो कौन काम कौन करा रहा है? यांनी काम केलेले आहे, किती चांगले काम केलेले होते। येणारे काय झालं होतं? कलरने आवाज उठाया था, बाजू में चेंबर है, तुम ये क्या कर रहे हो? तब आवाज उठाया तो। अच्छा, उधर भी चेंबर है और यहाँ भी चेंबर। चेम्बर नहीं है, ये तो पूरा नाले का मिक्स था, पूरा एक ही में ज्वाइन था, ऑनलाइन पूरा पैक कर दिया। बारिश में ये पानी जाएगा कैसे? उन्होंने जो आने का गटर है उसके ऊपर जाता था। ये देखो, आप इधर आके देखिए, ये देखो मोरी का पानी, ये थोड़ा आगे ये बारिश का, ये कौन सी इंजीनियरिंग है? ये कौन सी इंजीनियरिंग है? बारिश का पानी यहाँ से आ रहा है, उसको आप रोक रहे हो चेंबर से, वो सीधा जाएगा वो गटर के अंदर। भी दिखाओ, उसके बीच के अंदर आपने उसको खड़ा कर दिया। ये कौन सी इंजीनियरिंग है और कौन इंजीनियरिंग है? कहाँ से आते हैं लोग? कॉन्ट्रेक्टर से आपकी बात हुई, वर्क ऑर्डर इसका क्या है? कॉन्ट्रेक्टर बोलो, इंजीनियर इंजीनियर का नंबर देना मला। आप वर्क ऑर्डर चेक करिए ना कि वर्क ऑर्डर में क्या दिया गया है और ये लोग कैसा बना रहे हैं। ये उसी को रगड़ रहे और घसड़ रहे, और आज इधर अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है। अरे ये गटर पानी ऑटोमेटिक अपने घर मध्ये घुसणार आहे पावसाचे, और जरूरत ही क्या थी यहाँ पर? ये जो वो काम हो रहा है ना, जो रिजेक्टेड काम था ना, ये वो हो रहा है। आप मुझे बताइए, ये लो लाइन एरिया है, अगर उनको नहीं इंग्लिश समझती है तो मैं उनको समझा दूंगा हिंदी में कि ये खालचा पट्टा है आणि हा वरचा डोंगरातला पट्टा है। त्या दोन्ही बाजूने जर पाणी आलं तर इकडे येणार, आणि आता भविष्यात ही माणसं आयुष्यभर मरणार, आयुष्यभर मरणार। कौन काम कौन करवा रहा है ये सुधीर भाई?
कोई यहाँ खड़ा नहीं है, कोई खड़ा नहीं है, बस काम करा लो। यहाँ के जो बाशिंदे थे ना पिछले नगर सेवक जो थे, वो सिर्फ लोगों को भेज रहे और काम करवा रहे। वो लोग बोल रहे थे और अभी ये जो बनाया जा रहा है इसकी वजह से हमारे घर में पानी भरता है, हर बार हमारे घर में पानी भरता है हर साल। हमने उनको मना किया था, पूछो मना किया था कि नहीं, तीन बार और चार तीन से काम नहीं आया करने के लिए कोई। ये नाला है ना, ये अंदर का नाला है। अच्छा ये पूरा नाला है ना, तो यहाँ पर बना रहे तो पूरा बंद हो जाएगा, कैसे पानी जाएगा इसमें से? अभी देखो, और ये पहाड़ी इलाका है, इनको समझना चाहिए कि यहाँ से पानी का प्रेशर रहता है। सुनो ना मेरे भाई, मेरे भाई ये गटर है ना, जोड़ा हुआ मैंने, इसको बीच में तो इसको बनाने की जरूरत क्या थी? ये होल क्या खर्चा करना है, क्यों करना है ये मेरे को बताओ। कॉन्ट्रेक्टर है यहाँ पर, कॉन्ट्रेक्टर भी नहीं है, कौन काम करा रहा है वो भी नहीं है। अरे मैं तो रहूंगा उधर, वो रहेंगे, मेरे लोग मरेंगे यहाँ पर। ऑलरेडी इतना बड़ा गटर इन्होंने बनाया है पहले से, इसकी क्या जरूरत है हमें? इसकी कंप्लेंट है मुझे बताओ, ये 100 घर है मेरे इधर, इनमें से एक आदमी की हमको ये बना करके दो, हमारे को बना के दो, ऐसा किसने मांग की है क्या? किसने मांग की है क्या? तो क्यों तुम जबरदस्ती कर रहे हो? जबरदस्ती हो गई ये, ये सब जबरदस्ती हो जाएगा। ये बारिश में हमको तुम लोग मरने के लिए छोड़ा, तो याद रखो ये लोग ने किया भी रहेगा ना, मैं अपने पैसे से फिर मेरा गटर जोड़ दूंगा, ये सब लोग हम लोग करेंगे, लेकिन ये मर जाएंगे हम लोग। अड़ी तीन फूट वरती उंच रस्ता है, इथे अड़ी तीन फूट उंच रस्ता है, या दोघांचं पाणी या चेंबर मध्ये आणि तो धूळ गटर सर्व आम्हाला का पण का त्रास देत आहे? आम्ही तुम्हाला निवडून दिलं, याचा त्रास देता का तुम्ही आम्हाला? आता तुम्ही निवडून येणार नाही आहेत म्हणून तुम्ही त्रास देत आहेत। जे बांधता है जो इंजिनियर आहे, ज्यांनी याच्यावरती पैसे मंजूर केलेले आहेत, तो ठेकेदार का मंजूर केलेलं? जे नगरसेवक होते आता नाही आहेत, त्यांनी हे का मंजूर केलं आम्हाला तेच विचारायचंय। आणि एक लक्षात ठेवा, या जनतेच्या काठीमध्ये आवाज नसतो, पण मग जेव्हा ती बटन दाबते ना त्यावेळेस फार त्रास होतो। हे का घाणेरडेपणा करताय तुम्ही? काय काय गरज आहे? एक लहान पोराला पण मी बोलवलं ना, आता कोणाला, दहावीच्या पोराला, का बाबा ही असं मी भिंत बांधली आहे, आई पाणी, अहो त्यांचं पाणी कुठे जाणार? म्हणजे रोज आणि झगडा करा, आप देखिए, आप तो इंजीनियर नहीं है ना, मैं ये, लेकिन आपको भी समझ में आ रहा है साहब कि ये गलत हो रहा है, आपको नहीं लग रहा ये गलत हो रहा है? एक चेंबर आ रहा है, चेंबर के मुंह के ऊपर वो लोग ने ये कर दिया है। आपको बताते हैं कि ये संजय नगर इलाका, और पहले से ही यहाँ पर जो है गटर लाइन का काम जो है किया गया था, बनाया गया था। यहाँ से जो है देखेंगे आप कि इस तरफ से गटर का पहले ही काम हो चुका था, लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर एक और ड्रेनेज के लिए जो है खुदाई कर दी गई। अब इसमें ये समस्या पैदा हो रही है कि जो बारिश होगी अगर, तो उसका पानी इसकी वजह से रुक जाएगा और लोगों के घरों में पानी भर जाएगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और जो पूर्व नगर सेवक है सुधीर भगत, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इसके खिलाफ हैं, स्थानीय लोग भी जो है इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। बहरहाल जो कॉन्ट्रेक्टर है, काम कौन करवा रहा है, यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है, सिर्फ लेबर है वो काम करते जा रहे हैं। सुधीर भाई काम करते जा रहे हैं, अभी आप काम रुकवाने आए यहाँ पर या क्या करने के लिए आए? मैंने कभी ज़िंदगी में कोई काम हो रहा है ना वो मैंने कभी रुकवाया नहीं, लेकिन गलत को उंगली रखा है, और ये काम मैं इनके यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी इंजीनियर हैं उनको बुलाऊंगा कि तुम्हारी कितनी पढ़ाई है वो हमको ज़रा बताइए, कि कोई चेंबर जा रहा है उसके बीच में आप दूसरा चेंबर खड़ा कर रहे हो और उसकी दीवार खड़ी कर रहे हो, और ये कितना है? वो भी ये पानी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बारिश में ये पानी जाने को भी तकलीफ होती है, अगर ये चेंबर बना है तो हमको मरना ही है।
चार दिन से इसको मना कर रहा हूँ, आज जबरदस्ती यहाँ तक ट्रैक्टर। आपको मालूम है कौन काम करवा रहा है ये? वो आते ही नहीं जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, कोई नहीं आ रहा। हाँ, चार पाँच दिन से हम लोग को मना कर रहे हैं, ये लोग माने। आज जबरदस्ती ट्रैक्टर अंदर घुस रहा था, मैं बोला देखे हम लोग यहाँ पे, लेकिन पब्लिक हमारी जमा हुई है, उसके बाद इन लोग को वापस करके भेजे हम लोग। अरे मतलब जा ही नहीं रहे, वो लेवल देखो कितना ऊंचा है। अरे इधर नीचे भाई एरिया कौन सा, संजय नगर का कौन सा एरिया ये? जाएगा सिर्फ दो फुट में जाएगा, माई निवास के अंदर आता है ये। ये माई निवास को जाता है, शिवाजी चौक से ये रास्ता माई निवास की ओर जाता है, शिवाजी चौक से माई निवास। तो अभी इस काम के संदर्भ में आप क्या कदम उठाने वाले हैं? मैंने अभी मेरे ही जितने कुछ लोग हैं उनको बोला है अर्जी लिखने के लिए। मैं मेरे लोगों को बोला हूँ, यहाँ के सबके लोगों के, मनोज सबके लोगों के सिग्नेचर ले लो और ये अर्जी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में दे दो कि जो जल रहा है इसको तुरंत रोके और जैसा था हमको वैसा करके दे दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, हाँ वैसे करके दे दो बस। हाँ कुछ चाहिए नहीं। अरे अगर इनको बनाना था, इनको बनाना था तो ये चेंबर और कहीं लेते, और वो जो पाइप है ना ये गटर के नीचे से लेके जाते हैं। लेकिन ये चेंबर सुधीर भाई, ये जो इतना ऊपर है ये काफी गहरा होना चाहिए, कम से कम 2 फुट का चाहिए, और ये पानी निकलने का जगह भी बड़ा होना चाहिए। आपको मैं दिखाता हूँ, हमने बनाए थे मेरे इसमें, आप चलिए मैं उसको, अगर आदमी यहाँ तक नहीं चला गया तो मेरे को बोल देना। और दूसरी बात, बाजू में गटर है, उस गटर के नीचे से पाइप लेके गए हम लोग, फिर वही हम लोग सोचे थे। और ये कम से कम 2 फुट का पाइप होना चाहिए, कम से कम 2 फुट का होना चाहिए। 2 फुट का रहेगा तो यहाँ से लेकर के वहां तक माइस का निकल जाए। ये 8 इंच का पाइप डाले 9 इंच का, ये लोग कैसे चलेगा इसमें? इन्होंने 4 दिन के बाद बहेगा ये। हम लोग इन्होंने टारगेट लिया है मेरे संजय नगर को ठाकुरपाड़ा और कोलीवाड़ा के जैसा गंदा बनाने का, इन्होंने षड्यंत्र रचा है। जो ठाकुरपाड़ा की हालत है, जो कोलीवाड़ा की हालत है, आज कई 35 साल 35 साल हो गए जो उनके लाइन भी, आप देखो मेरे यहाँ पर आपको कहीं भी एक भी रास्ते पे लाइन नहीं दिखाई पानी की लाइन। वहाँ मैं अभी चैलेंज देता हूँ आपको, आप कोलीवाड़ा का 35 साल का कोलीवाड़ा का इतिहास है, वहाँ पर आज भी आपको रोड पे लाइन दिखाई देगी। इसका मतलब जानबूझकर ये आपके जो लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर ऐसा किया जा रहा है, और उनको और परेशान करो और फिर बाद में आके बोलो मैं आपका काम करूंगा और थोड़ा लाली पोती करके जाओ, उनको खुश करके जाओ, ये मौसम चलो। क्या सुधीर भाई बोल रहे हैं, जहाँ इनके लोग रहते हैं वहाँ लोग आते हैं परेशान करने के लिए? पहले काम होता ना, सजा माल करूं देला पाई जा, हमारा ये सब नाना बिला नहीं पाई जा, ये काम हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमारा जो जूना था हमको वही मांगता है, लेकिन अभी काम तो चालू है ना, लेकिन काम तो चालू है, लेबर काम कर रहे हैं ना? काम नहीं कर रहे, हम लोग चिल्लाते हैं ना, वैसा करने दो। 3 दिन तक खामियाजा, इनका खामियाजा जो ये कर रहा है उसको भुगतना पड़ेगा। और याद रखना, अगर ऐसा हुआ मैं, हम लोग हमारा ये सब बंद करके, फिर चाहे हम पर कोई भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन केस कर दे, हम हमारा जैसा था वैसा बना के तो आपने सुना। सुधीर भगत जो है ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि जो भी है उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से ये नई ड्रेनेज लाइन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कई साल पहले ये सुधीर भगत के द्वारा जो है ये रास्ता बनाया गया था, कंक्रीटीकरण किया गया था, और यहाँ पर उन्होंने एक जो है गटर भी बना के दिया था जिसमें बारिश का पानी आसानी से निकल जाता था। लेकिन उसके बावजूद अब यहाँ पर एक छोटा सा ड्रेनेज लाइन डाला जा रहा है जिसके वजह से पानी जो है उसमें जाने से रुक जाएगा। स्थानीय लोग इसके खिलाफ हैं और सुधीर भगत भी इसके खिलाफ हैं। हालांकि यहाँ पर कौन काम करवा रहा है और कौन कॉन्ट्रैक्टर है कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। सुधीर भगत का कहना है कि मनपा से पत्र व्यवहार करके ये जो काम यहाँ पर किया जा रहा है उसे रुकाने की कोशिश करेंगे। सुनो पहले जैसे पाइप डाला था ना नाले में, उधर का नाले में वैसा पाइप डाल दो हमारे, अरे भाभी। स्थानीय लोगों की भी मांग है कि जो ये काम किया जा रहा है ये काम जो है उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये पहले आप देखेंगे ये बनाया गया था जो गटर, इसमें से बारिश का पानी और हर चीज़ इस एरिया से पानी जो है निकल जाता था, लेकिन अब बगल में ही ये बनाया जा रहा है और बारिश का पानी जो है वो पहाड़ की तरफ से, जो वो ऊंचाई वाला इलाका है इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से जो पानी आता है बारिश का वो इसी रास्ते से आता है, और काफ़ी छोटा जो है यहाँ पर पानी निकलने के लिए जगह बनाई गई है, और इसी वजह से इन लोगों के घरों में पानी भरने की भी आशंका काफ़ी बढ़ गई। तो सुधीर भाई आप मनपा प्रशासन से पत्र व्यवहार करके इसे रुकाएंगे काम को या क्या आदेश? ये जो काम हो रहा है ये गलत हो रहा है, मैं अभी इसी वक्त उनको एक पत्र दूंगा, पत्र देके उनको बोलूंगा कि जरा आप खुद इंजीनियर आके विजिट करिए। और काम भी अगर हो रहा है एकदम लापरवाही से हो रहा है, कोई है भी नहीं, ना कॉन्ट्रैक्टर है ना इंजीनियर, कोई भी नहीं यहाँ पर। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर आप एक चेंबर हम लोग हमारे उस वक्त बनाए थे, उस चेंबर की हाइट आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक खोलो वो चेंबर, उसमें आपको
हाजिर सर। ये देखो इसको बोलते हैं चेंबर, इसको बोलते हैं चेंबर, इतना बड़ा होना चाहिए। ये बोला दिखाओ ये कितना है, 7-6 फुट का है। अगर एक आदमी जाएगा तो उसमें जाला जाएगा, तो तुमको ये लेवल से वो करना चाहिए। या लेवल मेंटेन करा करायचं असेल तर ही लेवल तिथे खड्डे करा, ही लेवल मेंटेन करा, तरच होईल। नाहीतर इथल्या लोकांना कशाला त्रास देता रे। आप कॉन्ट्रॅक्टर आहे क्या? क्या नाम आपका? नाही मुकदम नाही, लेबर 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 के मुकदम लेबर। ये देखो फरक, देखो फरक। कॉन्ट्रॅक्टर काय आहे? रहता या नहीं रहता कभी? नहीं हमने बनाए थे वो चैंबर। नवाज तो यहाँ खड़े होके वो काम करवाता है? नहीं आ अभी आ रहा है, लेकिन 4-5 दिन से काम हो रहा है, वो आके करवाता है काम या नहीं करवाता है? काम ही नहीं होता है। ये पाइप बग, ये पाइप बग, ये काम करने का ढंग देखो हमारा। अरे टेस्ट लेवल में पाइप है तो। अच्छा टूट लिया आपकी पाइप? अरे राजा ये पाइप है ना, कमीत कमी 4-5 फुट खाली गेलं पाहिजे। कातर गटर तुम्हाला बघायचं का? एक गटरचा चेंबर आहे ना, एक एक सांगतो, एक सांगतो, माझं तिकडे 4 फुटाचं गटर आहे, एक चेंबर आहे ना त्याच्या खालून गेलंय, हे चेंबर त्याच्या खालून गेलंय, तुम्ही गटरच बंद करून टाकली राजा। 2 ठिकाणी गटर बंद केलेत। एक काम करा, ते 4 फूट खाली घ्या आणि ते गटर जसे तसे त्याच्या जॉईन करा। कुठल्या हॅलो हॅलो अरे काय कुठल्या पद्धतीने काम चाललंय चेंबर? तुम्ही आमचे आलेले नॅचरल फ्लो, सरकार सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट यांनी सांगितलेले नॅचरल फ्लो बंद नाही करायचे। तुम्ही नॅचरल फ्लो जे आहेत ते बंद केलेत, वरतून चेंबर एक तो 6 इंचाचा 1 फुटाचा चेंबर टाकलाय। अरे इथे 5-5, 6-6 फुटाचे चेंबर असतात, माझ्या मी जे खोदलेलं आमच्या टायमामध्ये ते 7 फुटाचं आहे, तुम्ही कमीत कमी 4 फूट तरी घ्यायला पाहिजे का नाही? तुमचे इंजिनियर आणि तुमची वर्क ऑर्डर कृपया करून मला इकडे घेऊन यावी, शब्द मी वापरतोय कृपया घेऊन यावी। हॅलो कट कर दिया।